हरदोई में यूपी सरकार द्वारा अंबाला या और भी कई स्थानों से लाए गए 1188 मजदूर विशेष ट्रेन से हरदोई पहुंचे हैं। इनमें से 12 मजदूर सस्पेक्टेड पाए गए हैं, जिनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है, जहां एसडीएम एसपी समेत नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी खूब उड़ी है। यहां से करीब 80 बसों से मजदूरों को संबंधित स्थानों तक भेजा जाएगा। यहां आपको बता दें कि पंजाब में फंसे अपने प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय से स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की मांग को हरी झंडी मिलने के बाद श्रमिकों को लाया गया है। श्रमिक एक्सप्रेस पहुंचने से पहले ही नोडल अधिकारी मनु गर्ग व दीपक आहूजा के निर्देशन में पूरे स्टेशन परिसर में बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे कोई भी श्रमिक अपने निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्टेशन परिसर में कहीं आवागमन ना कर सके। बताते चले कि ट्रेन के हरदोई पहुंचने पर पूर्व आरपीएफ जीआरपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल व जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए 24 नोडल अधिकारियों को श्रमिकों की जांच से लेकर उनके गृह जनपद भेजने तक का कार्य दिया गया था। श्रमिक स्पेशल अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, जिसके बाद जिला प्रशासन व रेल अधिकारियों द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर ट्रेन की शटिंग कराकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाया गया, जिसके बाद श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बनाए गए सफेद गोले में खड़ा किया गया। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें रोडवेज की बसों द्वारा उनके घर भेजा गया। एसडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी श्रमिकों को 15 दिन का राशन देकर उन्हें उनके घर भेजा गया है, जहां सभी होम क्वारंटाइन किए जाएंगे। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। पंजाब में फंसे हुए थे, चंडीगढ़ मजदूरी कर रहे थे, और वहां से हम हाल लाए गए हैं चंडीगढ़ से, पंजाब से हरदोई, और मोदी जी को धन्यवाद मेरी तरफ। किराया वगैरह कुछ नहीं पड़ा, फ्री में बिल्कुल हम आ गए, खाना पीना बिल्कुल फ्री था, हम सही सलामत पहुंच गए। क्या नाम है? धर्मराज। तो पंजाब में फंसा था होटल में, वहाँ ना खाना दे रहे थे ना कुछ भी, बहुत हमें दिक्कत थी। हमारा मोदी से बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पहुँचाया गया, बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ भी नहीं वो हुआ, आराम से हम अपने हरदोई आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। किसको धन्यवाद अदा करते हैं आप? मोदी योगी दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा संजय नाम है। आप ये आज अंबाला से हरदोई कुल 1188 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए हैं, इसमें से अधिकतर लोग हरदोई जनपद के हैं। इन लोगों को बसों से क्वारंटाइन सेंटर पे भेजा जा रहा है, और आज इनमें से 12 लोग फिलहाल संदिग्ध पाए गए हैं, जिनको नमूना परीक्षण के लिए कोरोना टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आप लोगों ने बहुत तैयारी की थी, वो सब यहाँ हवा हो गई? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही, चूँकि हम लोगों को पहले से नहीं पता हो पाया था कि कहाँ के हैं। हम लोगों ने दूसरे जनपदों की भी तैयारी की थी, दूसरे जनपद के लोग कम आए, लेकिन फिर भी प्रयत्न है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.